एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खुश हैं और स्वस्थ हैं। फाइनली मैं मसूरी घूमने के लिए जा रही हूँ और इतना सुंदर इस टाइम पे, मतलब पूरा सब जगह जो भी आप बाहर देख रहे हो पूरा ऐसे बादल नीचे हैं, बहुत सुंदर हो रखा है पूरा नॉर्थ ना इस टाइम पे। लेकिन थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि बारिश की, तो आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, नॉर्थ की तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। हर आए दिन कभी येलो अलर्ट, कभी ऑरेंज अलर्ट, कभी रेड अलर्ट है। तो काफ़ी दिन से मैं यही सोच रही थी कि जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन फिर वही कि मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था कि बारिश वगैरह की वजह से, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह बहुत हो रहे हैं। फिर सोचा कि चलो यार, डर के आगे जीत है, देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि मानसून ही है, मतलब पहाड़ों में ना जो घूमने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मानसून और ठंडी। तो अभी मैं मसूरी के लिए निकली हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो मैंने बुक करी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे के वीडियोस में। और अभी मैं देहरादून से मसूरी के लिए जा रही हूँ, तो मैं पूरा रास्ता कवर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये देखो रास्ता कितना सुंदर है, पूरा ग्रीन हो रखा है सब जगह ना। आई जस्ट होप कि बहुत तेज बारिश ना आए, वरना तो पूरा ना मजा किरकिरा हो जाता है। मतलब अभी जैसा मौसम है ना, हल्की हल्की सी बारिश है, ये ठीक है, धूप भी नहीं है। हालांकि मुझे धूप सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे बारिश नहीं उतनी पसंद है, मुझे धूप अच्छी लगती है, मुझे सूरज पसंद है। लेकिन इतनी फिर भी ठीक है, हल्की हल्की एकदम, लेकिन तेज बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर इतना पानी बरसता है कि बस पूरा ही मूड ऑफ हो जाता है मेरा। तो ऐसा लग रहा है कि बादलों में जा रहे हैं, बादल पूरे नीचे आ रखे हैं, पता नहीं। हाँ देखो, वीडियो में दिख रहा है ना, मुझे लगा वीडियो में उतना कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे ना पूरा वाइट 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 लग रहा है, पूरे बादल नीचे हैं। ये वेलकम टू मसूरी, आई थिंक टोल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मसूरी में एंटर करने का 60 रुपए का टोल है यहाँ पे। जगह जगह पे ऐसे ना वाटरफॉल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, पूरे बादल नीचे। ये भुट्टे मिल रहे हैं खाने के लिए, बट पार्किंग के लिए जगह नहीं दिख रही है। ये देखो, वाओ, पूरे रास्ते में जगह जगह पे हर थोड़ी दूर पे वाटरफॉल्स हैं, बट यहाँ पे ना कहीं पार्किंग नहीं है, नहीं तो मैं रुकती थोड़ी देर। बट आगे भी बहुत सारे, मसूरी में तो बहुत वाटरफॉल्स हैं। मसूरी काफ़ी पास में है यहाँ से देहरादून से, मुझे लगा था थोड़ा तो दूर होगा, लेकिन अभी मुझे मुश्किल से 40 मिनट्स हुए हैं निकले हुए घर से, और ये मैं मसूरी मतलब एंटर हो चुकी हूँ, तो बहुत पास में है मसूरी यहाँ से। अब मैं देख रही हूँ कि कहीं पे ना पार्किंग मिल जाए और वहाँ पे मैं आराम से ना थोड़ा चाय वगैरह कुछ पीऊँ, कुछ खाऊँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है पूरे बादल सी। कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतने बादल हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है मुझे, मैं ना आसमान में जा रही हूँ ड्राइव करके, ये रोड आसमान में ऊपर ले जाएगी, पृथ्वी लोक से ऊपर के लोक पे मैं जाने वाली हूँ। गाड़ी इतनी संभल के चलानी पड़ रही है क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी दूर का ही दिख नहीं रहा है, तो बहुत ही स्लो स्लो बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है। पूरे बादल है, पूरा फॉग है यहाँ पे, बहुत रिस्की भी होता है मानसून में ना ड्राइव। अच्छा है कि तेज बारिश नहीं है, वरना तो अगर बारिश हो तो और दिक्कत हो जाती होगी ऐसे सब रास्तों पर। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकी हूँ, और ये देखो ये पूरे बादलों में एक छोटा सा यहाँ पे एक कैफ़े है, फूड गैलेक्सी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, छोटा सा
क्यूट सा कैफ़े है और ये मतलब पूरे बादलों में है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और देखते हैं खाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो कैफ़े है ना, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये देखो पूरे बादल वादल है, कुछ ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आउटिंग सिटिंग भी है लेकिन आई थिंक बारिश की वजह से बंद की हुई है अभी। और अभी जो इंडोर सिटिंग है इनकी वो चालू है, बट अच्छा है। पूरे पीछे पूरा बादल है, मैं मतलब बादलों में ढक गई हूँ कि मुझे बहुत क्लोज जाना है, पड़ रहा है अगर अपना चेहरा देखना है। सो मेरा खाना आ गया है। मैंने ये मिक्स पराठा मंगाया है और साथ में मसाला टी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाय लवर हूँ लेकिन चाय थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कम करूँ बट हो ही नहीं पाता ऐसा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं 3-4 चाय पीने की बजाय दिन की 2 चाय पीऊँ बट ऐसा नहीं हो पाता। मेरे को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। सो टेस्ट करके देखते हैं कि पराठा कैसा है। ओके है टेस्ट, मतलब इससे ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा पराठा नहीं हो खाया है मैंने, बट ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर ये है शीप है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भेड़, जिससे ऊन बनती है। कितना सुंदर है ये, इसकी आँखें देखो, ओ माय गॉड, और इसके कान ब्लैक एंड वाइट कितना क्यूट हुआ है इसके सींग ये पता खाना मांगने के लिए खड़ा हुआ है, इसको खाना चाहिए कुछ। अब पता नहीं मुझे क्या खाता है ये, वरना मैं देती। बहुत सुंदर है ये, वाह। चेहरे पे होता नहीं क्या गंदा गंदा लगाया हुआ है इसने। मुझे सारे ही एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव देम। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी होटल के लिए निकल गए हैं। यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट दूर है जो मैंने होटल बुक किया है, और जो मैंने उसके वीडियोस और फोटोज़ देखे थे उस होटल के, वो तो बहुत बहुत औसम थे। वहाँ से एक पास में ही बहुत अच्छा वाटरफॉल भी है, सीक्रेट वाटरफॉल, तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगी वहाँ से और देखती हूँ जैसा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में लग रहा था रियल में भी वैसा है कि नहीं है। वैसे आई थिंक यहाँ की ना प्रॉपर्टीज सब अच्छी होंगी क्योंकि बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत शांत है। एक बस बीच में मॉल रोड पड़ी थी जो यहाँ पे मतलब प्राइम लोकेशन है वो, तो वो बहुत क्राउडेड थी, वहाँ तो मुझे नहीं रुकना था। तो पहले वहाँ पर ना एक वेलकम होटल करके ITC का, पहले मैं वो बुक करने वाली थी क्योंकि पिक्चर्स में अच्छा लग रहा था, बट अभी मैंने देखा वो वहाँ पे था मॉल रोड पे, तो वहाँ पे बहुत क्राउडेड है, तो अच्छा हुआ वो मैंने नहीं किया है। तो अभी जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ पर देखते हैं। फाइनली धूप निकल आई 4-5 दिन बाद धूप निकली है। मैं इतना मतलब मेरे को डिप्रेशन हो जाता है धूप नहीं आती है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है धूप आ गई फाइनली, अब ये धूप रहनी चाहिए, बारिश ना आए। इतने दिन के बाद मुझे धूप दिखी है थोड़ी, ये देखो धूप आई तो थोड़ा लोकेशन भी दिख रही है, वरना सिर्फ वाइट 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 दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। ये नीचे की तरफ जाके होटल है और रोड कोई बहुत अच्छी नहीं है, दो गाड़ियां साथ में भी नहीं निकल सकती। यहाँ पे ना काफी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, आई थिंक ये काफी सारे ना नए होटल्स बन रहे हैं, तो उस वजह से और प्रॉब्लम होती है। ये तो मैंने देखे थे ये सब रिजॉर्ट्स, मैं चेक कर रही थी मसूरी में रहने के लिए, बट वही होता है कि पता नहीं होता कौन सी जगह कैसी है, आके ज़्यादा समझ आता है। कभी ऐसे भी कर सकते कि और मतलब बुकिंग ना करो और आ जाओ और फिर देखो आके, तो जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ रुको। ये कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, बहुत सारे नए होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे, बट मुझे ना थोड़ी शांत जगह अच्छी लगती है। पॉपुलर भी इधर ही आगे जाके है, जॉस्टर भी इधर ही आगे जाके है। ये व्यू देखो आप, लेकिन ये थोड़ा और एकदम शांत होता ना जगह तो और अच्छी लगती।
मुझे क्राउडेड जगहें थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, और अभी तो ये आगे आगे और क्राउडेड होगा क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी नई जगहें बन रही हैं, तो आगे आगे जाके पता नहीं, मतलब हर जगह लोग बस जाएंगे। नेचर को ऐसे ही रहने दो यार, कुछ मत बनाओ यहाँ पे, जितना है मतलब उतना ही रहने दो, और कुछ नया मत बनाओ। अभी धूप निकली है तो कितना अच्छा लग रहा है, अभी यही सेम जगह थोड़ी देर पहले पूरी वाइट दिख रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, पूरे बादल फॉग यही था, बट अभी वही सेम जगह देखो कितना ग्रीन, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ मसूरी में मैं यहाँ जॉस्टल प्लस में रुकी हूँ, और मैं अंदर का पूरा आपको टूर कराने वाली हूँ, रूम का टूर कराने वाली हूँ। मैंने जो रूम बुक किया है वो डिलक्स रूम बुक किया है, और कितने में मैंने बुकिंग करी, क्या क्या यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, कहाँ यहाँ के कॉमन एरियाज़ और वाटरफॉल्स सब मैं दिखाने वाली हूँ, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर एंटर होते ही वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, कितना ज़्यादा क्लियर वाटर है, पूरा कलर्स ब्लू और वाइट पूरा कलर दिख रहा है, कितना ज़्यादा साफ पानी है। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी यहाँ पे, लेकिन काफ़ी शांत है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी कोट लगी हुई है, पहाड़ों का बुलावा आया है। हाय, कैसे ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जिस को क्रॉस करके हम नीचे वाटरफॉल तक जा सकते हैं। चलो उधर चलते हैं। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। मुझे लगा था कि मसूरी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लेकिन मतलब आई डोंट नो, मतलब सभी जगह पे ऐसा है, लेकिन ये जगह तो बहुत सही है। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे ना बॉन फायर वगैरह के लिए जगह है, रात को काफ़ी अच्छा लगता होगा। हाँ, और सभी जगह पे ना बैठने के लिए सिटिंग बनी हुई है, ये बड़ा अच्छा है कि आराम से आप बैठ सकते हो और वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हो, मेडिटेशन या योगा करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा। वहाँ इतना अच्छा लग रहा है, बादल एकदम ना ऐसे चलते हुए नजर आ रहे हैं, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। नेचर कितना ब्यूटीफुल होता है यार। मैं अपना रूम दिखाऊँ, मेरा रूम कहाँ पे है, वो ये सबसे टॉप। अभी मैं रूम टूर कराने वाली हूँ, अंदर का पूरा दिखाऊंगी कैसा रूम है, वो सबसे ऊपर टॉप पे है ना, वो मेरा रूम है। अच्छा है ना? ये काफी अच्छा है यार। कितना साफ पानी है, पूरा ब्लू पानी आ रहा है पीछे से। मैं शाम को आऊंगी, शाम को नहाने के लिए वाटरफॉल में। अभी बाकी का देखते हैं, अभी बाकी चेक करते हैं। ये जो पीछे देख रहे हो वो डॉम्स हैं, और वो जो सबसे पीछे है वो कॉटेज है।
ये कॉमन एरिया है जहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह हैं। यहाँ पे झूला भी है। हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ के कॉमन एरिया बड़े कूल होते हैं, बड़े चिल लगते हैं। यहाँ पे सारे गेम्स हैं। मुझे चेस बहुत पसंद है लेकिन थोड़ा लंबा होता है गेम, तो टाइम चाहिए होता है उसके लिए। ये झूला रात में बहुत अच्छा लगता होगा, पूरी लाइट्स लगी हुई है ना। नाइस, काफ़ी सारे कॉमन एरिया हैं यहाँ पे। और जगह जगह पे बैठने के लिए ना सिटिंग एरिया बने हुए हैं, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो आराम से। ये कितना लकड़ी का वो सुंदर बनाया हुआ है, लकड़ी से बनाया हुआ है। और ये ऊपर रेस्टोरेंट है। तो अभी मैं आपको देने वाली हूँ रूम टूर। मैंने जो रूम बुक किया है वो डिलक्स प्राइवेट रूम बुक किया है। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि रूम कैसा है। मुझे सबसे ऊपर वाला रूम मिला लकीली। तो ऊपर के रूम से क्या होता है कि व्यू बहुत अच्छा आता है। तो नीचे भी है फर्स्ट फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर पे रूम है। और रूम में जाने से पहले मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं इसकी पहले बालकनी देखूं। तो बालकनी चेक करते हैं। मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, कितना खुला खुला है। वो वाटरफॉल यहाँ से दिख रहा है और पानी की आवाज़ ना कंटिन्यू मतलब रूम में भी आ रही है। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स दी हुई हैं। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा है। मुझे ना इसी तरह की जगहें अच्छी लगती हैं कि जहाँ पे ना मतलब आप आराम से चिल कर सको, वहाँ से आके आपको कहीं और भागने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छी जगह है। सामने वाटरफॉल की आवाज़, इधर आराम से आप बैठ सकते हो और पूरा मतलब व्यू देखो यहाँ से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। मुझे इसी तरह की जगहें अच्छी लगती हैं क्योंकि मुझे ना मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। और इस तरह की जगह पे इतनी जल्दी आप एकदम मतलब अपना मन शांत कर पाते हो, क्योंकि आवाज़, पानी की आवाज़, माउंटेन्स, बहुत सुंदर जगह है। तो अब चलो रूम चेक करते हैं। ये पेड़ बहुत ही ऐसे कलरफुल, जो हॉस्टल का यही सबसे अच्छी बात लगती है, बहुत कलरफुल इनके वो होते हैं जो इंटीरियर होता है। ओह माय गॉड, रूम देख के आप पागल हो जाने वाले हो, बहुत सुंदर रूम है। दिस इज माय रूम। सबसे बड़ी चीज मैं दिखाती हूँ, वो देखो बादल लेटे लेटे आप स्टार्स देख सकते हो। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। एंट्री करने के बाद ये बहुत ही क्यूट सा वार्डरोब दिया हुआ है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। तो ये है साइड में आपका छोटा मोटा सामान रखने के लिए, स्टोरेज के लिए जगह है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा कलरफुल है। शावर एरिया वाला वॉल देखो कितना सुंदर कलरफुल है। एंड वेरी नीट एंड क्लीन, पता है बिल्कुल ऐसा वो 5 स्टार वाला फील आ रहा है, बहुत सुंदर है। मुझे ऐसे कलरफुल, ऐसे रिजॉर्ट टाइप्स ओपन जगह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वाह, और ये जो है ना, एक तो इसमें ऊपर आप रात को लेटे लेटे स्टार देख सकते हो, अभी सन आ रहा है, और ऊपर ना मिर्ची लाइट लगी हुई है, तो आई थिंक रात को बहुत क्यूट लगता होगा। वाह, और चारों तरफ ये है, चारों तरफ से खुला है। इधर भी खिड़की है, ये पूरा सामने ओपन व्यू है। तो
इधर से खिड़की है, और ये कुछ खाना वाना आप ऑर्डर कर रहे हो तो चाय वाय यहाँ पे बैठ के पी सकते हो। वाह, और ये बालकनी के लिए यहाँ से रास्ता है, और वो वाटरफॉल है। हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। वो कोई मंदिर भी है ऊपर वहां पे, कितनी सुंदर जगह पे है वो मंदिर, पूरा चारों तरफ ग्रीन, पीछे माउंटेन। वाओ। सो अभी जो जॉर्ज टल प्लस में ये है ना ट्री हाउस, उसका मैं आपको टूर देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसका तो टूर बनता ही बनता है, क्योंकि जब मैं ट्री हाउस बुक करने की सोच रही थी तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिला, और मैं अंदर से देखना चाहती थी कि कैसा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने लिखा था कि अच्छा है, कुछ लोगों ने लिखा था कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको फुल डिटेल में इसका टूर देने वाली हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे अलग से ना प्रॉपर ये है, गेट है, तो आपके रूम के अंदर, आपके इस ट्री के ऊपर ही कोई नहीं आ सकता, आपका ट्री एकदम अलग है, क्योंकि ये प्रॉपर गेट मिला हुआ है, तो आप अंदर जाओ और गेट बंद कर सकते हो, तो ये आपका हो गया। और देखो कितना बड़ा ट्री है, ट्री के टॉप पे है वो, ये ट्री के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, ये यूरोपियन लाइट्स लगाई हुई हैं, तो ये लाइट्स रात को जब जलती होंगी ना तब बहुत अच्छी लगती होंगी। सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब पेड़ के एकदम टॉप पे जाने वाले, वहीं रहने वाले, मतलब फैंसी है ये। जनरली इस तरह की जो लोकेशंस होती है ना वो मिल नहीं पाती है, पता है कि मतलब ट्री हाउस के नाम पे मैंने ऐसा देखा हुआ है कि वो ना ऊपर बनाया होता है, लेकिन ऐसे प्रॉपर जीते जागते ट्री के ऊपर नहीं होता, ये तो प्रॉपर अच्छा ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है यार। हाँ, तो इस सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद देखो ये पूरा, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, और ये ऊपर जाके कॉमन एरिया के लिए, वहाँ पे भी हम जाएंगे, पहले हम रूम के अंदर जाते हैं। यहाँ पे बाहर ये सिंक क्यूट सा बनाया हुआ है, लकड़ी का ही है, प्रॉपर सारी चीज़ें लकड़ी की है यहाँ पे। अभी चलो रूम चेक करते हैं। इसका नाम है अट्री लीला। ये है रूम, रूम मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम अच्छा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा रूम बड़ा होगा, लेकिन ट्री के ऊपर वही है ना यार, कंफर्ट तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि एक पेड़ के ऊपर आई थिंक बड़ा रूम बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ना सोफा कम बेड है, ये खुलेगा तो ये फिर सोने में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना, बट वही है कि अगर कंफर्ट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो रूम अच्छा है। और इसमें फैन वगैरह एसी वगैरह नहीं है, बट यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ती, एक छोटा सा फैन दिया हुआ है। और ये अंदर क्योंकि ट्री हाउस है तो पूरा ना लकड़ी का ही इंटीरियर रखा हुआ है। ये देखो ये बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत छोटा है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको रूम टूर दिया था डिलक्स रूम का, उसका रूम बहुत बड़ा था और उसका बाथरूम भी बहुत अच्छा है, उसके मतलब बेड वगैरह कंफर्ट वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर थोड़ा एडवेंचरस फील चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा है, लेकिन रूम बहुत छोटा है। आई थिंक दिन में तो अच्छा लगेगा, रात को सोना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। ये छोटी सी क्यूट सी बालकनी है। दिस इज़ वेरी क्यूट एंड कोजी। सोचो यार, पेड़ के ऊपर रह रहे हो। लाइफ में और क्या ही चाहिए, वेरी क्यूट और कोजी बालकनी है, मतलब प्रॉपर वो बंदर वाला फील आएगा कि पेड़ के ऊपर रह रहे हो। वेरी नाइस। और अच्छे से प्राणायाम कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, क्या बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं? काश यार, मतलब इसमें रूम में जो बेड है ना वो प्रॉपर होता तो फिर तो मज़ा ही आ जाता, बस वही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो बहुत क्यूट है। और ये ना स्टेयर्स ऊपर के लिए जा रही हैं, ऊपर एक सिटिंग एरिया भी बना हुआ है,
तो चलो वो सिटिंग एरिया देखते हैं कैसा है। एडवेंचरस फील तो है यार यहाँ पे। अगर किसी के लिए कंफर्ट उतना मैटर नहीं करता ना, तो ये एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। बट आई थिंक अगर आप दो लोग रह रहे हो तो दो लोगों के लिए ये रूम नहीं है, बट आई थिंक सिंगल पर्सन के लिए सही है, क्योंकि सिंगल पर्सन तो सोफ़ा कम बेड पे मैनेज कर सकता है, तो सिंगल पर्सन रह सकता है। चलो चलो अंदर देखते हैं। वाओ, दिस इज़ क्यूट, वेरी नाइस। यहाँ पे आराम से बैठ के बुक पढ़ी जा सकती है। नहीं, अगर ऐसे प्रॉपर ना वो लेना ना, प्रॉपर ब्रेक लेना है शहर की लाइफ से, थोड़ा खुद को कुछ टाइम के लिए आइसोलेट करना है, कि आप सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हो, बुक्स पढ़ना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, तो आई थिंक उसके लिए ये रूम एक्चुअली बहुत अच्छा है। अगर कंफर्ट उतना मैटर नहीं करता, तो एक प्रॉपर प्राइवेसी चाहिए, तो आई थिंक दिस रूम इज़ लाइक ऑसम। लेकिन मेरे लिए ना थोड़ा सा कंफर्ट मैटर करता है, क्योंकि दिन में तो अच्छा लगता है, लेकिन रात को 8-9 बजे के बाद जब बॉडी रिलैक्स होती है ना, और जब एकदम से नींद आनी शुरू होती है, उसके बाद कुछ नहीं सोचता कि पेड़ के ऊपर रह रहे हो कि आसमान के ऊपर रह रहे हो, फिर एक प्रॉपर कंफर्ट चाहिए। तो अभी मैं लंच करने के लिए आई हूँ, और आपको फटाफट मैं रेस्टोरेंट का टूर भी दे देती हूँ। ये कैफ़े के टाइमिंग्स हैं, सुबह 8:30 खुलता है 10 बजे तक, लेकिन 4 से 6 बजे क्लोज रहता है। और ये ऐसे ही फ़ोटोशूट करने के लिए स्कूटर है, तो यहाँ पे आप फ़ोटोशूट कर सकते हो तो स्कूटर के साथ, और तो क्या करोगे। और ये देखो, ये माला किसकी, भुट्टो की माला बनी हुई है। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है पूरी, ये अंदर का एरिया है। हाँ, नाइस। मुझे ऐसे वाली ना, ऐसे अंदर घुस के कोजी सी, इस तरह की सेटिंग बहुत अच्छी लगती है। ऐसे कोजी एकदम, ऐसे अंदर घुस के बैठ जाओ, और यहाँ पे ऐसे पानी की आवाज़ आ रही है उधर वाटरफॉल से, तो बहुत ही सुंदर है यार, एकदम ओपन में बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा क्लोज आ जाओ। अब मैं यहाँ की थोड़ी डिटेल्स दे देती हूँ। तो जो मैंने रूम बुक किया है वो डीलक्स रूम बुक किया है, और उसका जो प्राइस है, मतलब मुझे जो उसका प्राइस मिला था वो 3800 मिला था, एंड वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बुकिंग करते हो तो बेटर प्राइस मिल जाता है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, यहाँ पर जो है उसका प्राइस आई थिंक 4400 है। और जो ट्री हाउस है उसका ऑनलाइन बराबर दिखा रहा था सेम प्राइस, बट यहाँ पे उसका थोड़ा कम था। और जो इनके कॉटेजेस हैं यहाँ पे 6700 है, एंड ऑनलाइन आई थिंक कुछ 4700 में वो मिल रहा है, तो ऑनलाइन आई थिंक बेटर डील्स मिल जाती हैं। सो अभी मैं अपने रूम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करती हूँ कि यहाँ पे आसपास क्या क्या है। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि नहाऊंगी, लेकिन मौसम ना थोड़ा, मतलब ठंडा मौसम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। अभी मैं वायरल इन्फेक्शन मेरा सही हुआ है थोड़े टाइम पहले, तो इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज उड़ रही हैं यहाँ पे, तो ज़रा आसपास देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या है आसपास। पानी देखो कितना साफ पानी है। हाँ, सो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे जो भी आसपास है सब कुछ दिखाऊंगी। ये तो साइड में आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल है, तो इसके बराबर में आप जा सकते हो, आप आराम से बैठ सकते हो या नहा सकते हो। ये यहाँ से ऊपर की साइड ना सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ये अंदर से ही जॉस्टल के अंदर से ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर, थोड़ा ट्रैक करके जाना है। तो यहाँ पर ना ये आई थिंक जिप लाइनिंग वगैरह होता है, ये आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से वो पॉइंट है, वहाँ से कहीं से शुरू होता होगा। नाइस।
इतना अच्छा लग रहा है, एकदम नीचे पानी, ऊपर ये घास, पीछे माउंटेन्स। सेफ्टी के लिए ये झंडे लगे हुए हैं जिससे आपको रास्ता पता लग जाए ना, अदरवाइज पता नहीं लगता है। हाँ, ये छोटा सा ट्रैक है जो ऊपर ट्रैक करके जाना है, और जहाँ से ये जो वाटरफॉल आ रहा है ना, आई थिंक वहाँ पे ऊपर पहुँचेंगे। कभी आपने भुट्टे की फसल देखी है? ये देखो, ये भुट्टे हैं। वाह, तो यहाँ पे वो तो है ही, बॉनफायर तो होता ही है। भुट्टे इधर से तोड़ लो और आराम से वहां पे भुट्टे भून के खाओ मजे से, है ना। मुझे ना सांपों से बहुत डर लगता है। मैं जब ऐसे ग्रीन घास वगैरह होती है ना, तो ट्रैक वगैरह करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि ना कोई सांप ना आ जाए। मुझे पता नहीं, सांप से बहुत डर लगता है। बहुत सारे भुट्टे हैं यहाँ पे, भुट्टे की खेती होती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सोसाइटी में ना बहुत मोटा, बहुत बड़ा सांप आ गया था। तो मेरे को तब से इतना डर लगने लग गया ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी बस सांप आ जाएगा। मेरे को दिमाग में बैठ गया, मेरे को ऑलरेडी थोड़ा डर लगता है, और वो डर ट्रिगर हो गया उस दिन से। तो इस तरह की जगहों पे जब जाती हूँ तो डर लगता है, बट मज़ा भी आता है। ये देखो, ये सीढ़ियाँ, पूरी ग्रीन कलर की सीढ़ियाँ हैं। एकदम ऐसा एनिमेटेड लगता है ये सब कुछ। ये देखो, ओह माय गॉड, कितना सुंदर है यार। सोचो, ये सब कुछ आपको अपने होटल से ही 5-10 मिनट के ट्रैक पे ये सब कुछ मिल रहा है। आप प्रॉपर देसी लाइफ जी सकते हो। भुट्टों की फसल है, भुट्टे तोड़ो, भुट्टे खाओ। पानी देखो। हाँ, कीड़े भी हैं लेकिन यहाँ पे। अब नेचर में कीड़े तो थोड़े होंगे, है ना। पानी की अच्छी आवाज आ रही है। ये देखो, पूरा ग्रीन। तो यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर मी टाइम चाहिए ना, तो आई थिंक उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मी टाइम स्पेंड करने के लिए एकदम शांत जगह पे आना है, तो क्योंकि वहाँ पे तो फिर भी जो थोड़े बहुत गेस्ट आए हैं वो लोग होते हैं, ये तो बिल्कुल ही शांत है। तो आप इधर थोड़ा ट्रैक करके आ जाओ और इधर बैठ सकते हो, लेकिन इधर ना उतना क्लीन नहीं है। है ना। बट अच्छा लग रहा है, पूरा पीछे ग्रीन है। नाइस। लेकिन मुझे ना जहाँ पे, मतलब जो अंदर ही था ना ये वाटरफॉल, वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना लोगों ने थोड़ी गंदगी की हुई है, वहाँ पे ज़्यादा क्लीन था। तो यहाँ पे ना सिर्फ जो हॉस्टल में लोग रुके हुए हैं, जो हॉस्टल के गेस्ट हैं, सिर्फ उनके लिए एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये इस तरह के रास्ते कितने सुंदर लगते हैं, इस तरह की सीढ़ियाँ। ये इसकी मैं बात कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ अगर आप यहाँ रुके हो ना तो ही इस पे जा सकते हो। अगर आप कहीं और रुके हो तो आपके लिए नहीं है ये। ये गांव के कोई अंकल आंटी हैं, आराम से बैठ के सुट्टा मार रहे हैं। ये नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। इधर मैं शांति के लिए आई थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही शांति हो गई कि मुझे डर लगने लगा, तो मैं वापस जा रही हूँ। ये क्योंकि वहां पे ना कुछ सिटिंग वगैरह भी नहीं बने हुए थे, कुछ बैठने के लिए कुछ जगह थी नहीं। यहाँ पे जो अंदर वाला एरिया है, वहां पे आराम से बैठने के लिए काफी जगह है।
ये सीधे यहाँ से ना सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे, तो आप सीधे वाटरफॉल में जा सकते हो और नहा सकते हो आराम से। कितना क्लीन पानी है यार। ठंडा है क्या पानी? चेक करती हूँ ठंडा है कि नहीं है। हाँ ठंडा तो है, पता नहीं कैसे लोग नहा रहे हैं इसमें। मुझे तो लग रहा है ठंडा। हाय ये शेड्स दिख रहे हैं पानी में, वाइट ब्लू ग्रीन, कितना एकदम क्लीन पानी आ रहा है। पूरे सारे शेड्स दिख रहे हैं पानी में, बट अभी बारिश का टाइम है ना तो ठंडा हो रहा है। यहाँ पे ना मुझे लगता है कि मॉनसून में, ठंडी में और समर्स में, सब में एक अलग ही मजा आता होगा। आह पैर ठंडे हो गए। ये वो ब्रिज है जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो अंदर से आ रहा है। और अभी मैं जहाँ पर आई हूँ वो है बुद्धा पॉइंट। तो बुद्धा पॉइंट बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बुद्धा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैंने सर्च किया और यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल करके है, वहाँ पे पार्किंग है और वहाँ से 5 मिनट का ऊपर ट्रैक करके जाना है जो बुद्धा पॉइंट है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और इस जर्नी में मेरे साथ आप बने रहिए और मैं आगे की डिटेल्स इस वीडियो में दूंगी। तो ये प्रॉपर जो ट्रैक है बहुत ही सेफ है, प्रॉपर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ से पूरा ऊपर चल के जाना है, आई थिंक 5-7 मिनट का ये ट्रैक है। और सेफ है ये क्योंकि प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर सेफ है ऊपर जाना। और यहाँ से ना सब जगह का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर व्यू है ये वादियाँ। और जहाँ पर भी बुद्धा टेम्पल होते हैं ना वहाँ की वाइब बड़ी अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। लास्ट टाइम देहरादून में एक बुद्धा टेम्पल है, मैं वहाँ गई थी, वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। 1 घंटे बैठ के मैंने वहाँ पे मेडिटेशन करी, अलग ही मज़ा आ गया था। और अभी मैं मसूरी में थी तो मैं गूगल पे सर्च कर रही थी क्या क्या है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जो क्राउडेड जगहें होती हैं वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे मुझे ये दिखा एंड आई वाज लाइक यहाँ तो मुझे जाना है। हाँ ओह माय गॉड, वो देख रहे हो ये पूरा पहाड़ों के फील। ये पहाड़ों में आपका स्वागत है, पहाड़ों से बुलावा आया है। हाँ ये जो कलरफुल फ्लैग्स होते हैं ना ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कितना प्यारा रास्ता है ना। ये कलरफुल फ्लैग्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत वाव। यहाँ आ रहा है प्रॉपर फील पहाड़ों का। कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे नहीं पता था मसूरी में इतनी अच्छी जगह भी है। ये मैं सोची हूँ कहीं मिलेंगे ना ये वाले फ्लैग्स तो मैं लेके जाऊंगी, अपनी बालकनी में लगा दूंगी। हाँ
और हम बुद्धा पॉइंट पहुंच गए। इट्स ब्यूटीफुल राइट। वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खाने पीने के लिए, मैगी वगैरह, चाय वगैरह। और लेकिन क्यों चीज होगी ये? और ये व्यू है यहाँ पे, लुक एट दिस। मैं मसूरी में जब से आई हूँ तो ये मेरा फेवरेट अभी तक का पॉइंट है। मैं कल कैंप टी फॉल भी गई थी वहाँ, जो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे उतना मज़ा नहीं आया, कुछ मतलब ऑफ थी वहाँ की वाइब। यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, मेरी स्माइल देख के पता चल रहा होगा। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बड़ा ही मतलब कूल वाइब है, नाइस, मज़ा आ रहा है। इधर से ना वॉक करके भी जा सकते हैं अंदर। वाह, ऐसा लग रहा है वो स्वर्ग का रास्ता है जैसे। नहीं, थोड़ा वॉक करके चलते हैं नीचे, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना स्वर्ग में आ गए। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर यहाँ पे मेडिटेशन करती हूँ और फिर नीचे ना एक बड़ा फैंसी सा कैफ़े था, फिर वहाँ पे डिनर करूँगी। तो मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और जो नीचे कैफ़े था फिर वो भी आपको दिखाऊँगी। इंडिया का फ्लैग। ये मुझे लगता है अभी इंडिपेंडेंस डे गया है ना, तब लगाया होगा यहाँ पे। तो चलो मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ और फिर हम आगे का वीडियो कंटिन्यू थोड़ी देर में करते हैं। ओके, सो मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन करी और बहुत ही शांति मिली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो इस तरह की जगहों पे ना एक अलग ही मन लगता है मेडिटेशन में। और अब मैं वापस जा रही हूँ, तो वापस जो मैंने शुरू किया था ना ट्रैक, वो मैंने वहाँ बुद्धा टेम्पल है नीचे, वहाँ से शुरू किया था। उसी के बराबर में कार की पार्किंग है, तो वहाँ पर कार पार्क की और फिर ऊपर के लिए ये 5-7 मिनट का ट्रैक था जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाना था। और अभी यही वाला रास्ता वापस के लिए जाता है। तो आई थिंक ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, उतरना तो आसान होता है। ऊपर जाना पहले उतना मुश्किल नहीं लगता था, अभी आई डोंट नो, आफ्टर कोविड आई थिंक थोड़ी हेल्थ ऐसे ही रहने लगी, मतलब थकान बहुत जल्दी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है कि मुझे ग्लोए कुछ महीने के लिए खानी पड़ेगी। तो चलो अब वापस चलते हैं यहाँ से। और बहुत ही सुंदर व्यू है यार यहाँ से।
तो अगर आपको यहाँ पर आना है ना, तो आप गूगल मैप पे बुद्धा पॉइंट करके डालोगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। और जो बुद्धा टेम्पल है नीचे, वहाँ पे आपको गाड़ी गाड़ी या बाइक जैसे भी आ रहे हो तो वो पार्क करना है, और फिर ऊपर के लिए ट्रैक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टेम्पल में और ये बुद्धा पॉइंट जो है, बुद्धा पॉइंट ऊपर है और टेम्पल नीचे है। तो टेम्पल में एक बार नीचे आप दर्शन करके या मेडिटेशन वगैरह करनी है उधर बैठ के आप कर सकते हो, और फिर आप ऊपर ट्रैक करके जा सकते हो। तो ऊपर एक्चुअली बहुत सुंदर था। और अगर आपको फोटोज़ वीडियोज़ लेने हैं तो उसके लिए भी ये जगह एकदम पिक्चर परफेक्ट है। बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर वीडियोज़ और पिक्चर्स आते हैं। तो आपको अगर शॉर्ट्स और रील्स वगैरह बनाने तो उसके लिए भी बड़ी सही जगह है। पीछे माउंटेन्स, ये कलरफुल जो पहाड़ों के फ्लैग्स होते हैं वो, तो बहुत बहुत सुंदर पिक्चर्स और वीडियोज़ भी आते हैं। तो ये जगह अगर आप विज़िट करोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। मतलब मसूरी में जाना मेरा वसूल हो गया था। और अब मैं नीचे जाने के बाद सबसे पहले खाना खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो नीचे एक कैफ़े अनाहत करके जगह है जो मैंने ऊपर जाते हुए भी देखी थी, तो मैंने सोचा था कि पहले ऊपर होके आती हूँ फिर नीचे आके खाऊंगी। यहाँ पे इटालियन फूड मिलता है, तो इटालियन फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव पिज़्ज़ा, पास्ता। अगर मुझे पूछोगे कि मैं एक कोई ऐसा मील जो एवरीडे खा सकती हूँ तो वो क्या है, तो वो पिज़्ज़ा है। आई लव पिज़्ज़ा, बट अच्छा ऑथेंटिक पिज़्ज़ा होना चाहिए। मतलब हर जगह का मुझे नहीं पसंद आता है। ये जगह बड़ी क्यूट है यार। मतलब पूरे में ना येलो लाइट है, मुझे येलो लाइट बहुत पसंद है। तो पूरा येलो लाइट, और ये मतलब पूरा ये है, फर्नीचर भी येलो है और लाइट भी येलो है, और पूरा माउंटेन व्यू है, पूरा ओपन, पूरा कांच का बना हुआ है, तो बहुत सुंदर है। और ये इनका आउटडोर सीटिंग है। तो ये पिज़्ज़ा आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये कितना यमी यमी है। लेट मी जस्ट टेस्ट इट। वेरी यमी। पता है मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा खाना यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट डे मुझे खाना यहाँ पे कुछ खास मिला नहीं था। हॉस्टल में बस मुझे खाना उतना अच्छा नहीं लगा, वो जगह बहुत अच्छी थी रहने के लिए, बट खाना वॉज ओके ओके। बट ये बहुत अच्छा था। मॉर्निंग में मैं हयात गई थी तो वहाँ पे बुफे किया था, वो भी बहुत अच्छा था। हयात नहीं, सॉरी, मैरियट गई थी, JW मैरियट। और अभी फिर मैं इवनिंग में यहाँ पे इस कैफ़े में आई। तो चलो, दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई और दिन एंड भी अच्छा हुआ, क्योंकि कल मेरा बैड फूड डे था, कल मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अगर मौका मिले तो माउंटेन्स घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा। बाय, आई लव यू ऑल।